प्यार करना मुश्किल है, उससे ज्यादा कहीं मुश्किल है एक तरफा प्यार को करना। अरे एक तरफा प्यार करना और उसके बाद उसको एहसास दिलाना कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर किसी के लिए आसान नहीं होता प्यार का इजहार करना। आपको डर लगा रहता है कि कहीं सामने वाला मेरी दोस्ती पे शक ना करने लगे, मेरा भरोसा मैं खो ना दूँ, कहीं वो मुझसे बातें बंद ना कर दे। तो मैं हूँ ना आपकी दोस्त जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी, मैं हूँ आरोही। अगर आप मेरे साथ नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो टिप्स है ना, ये आपको डेफिनेटली अपने प्यार का एहसास उन तक जरूर पहुंचाएगी और आपका एक तरफा प्यार ज्यादा दिन तक एक तरफा नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इजहार करते हैं। इजहार किस तरीके से करना है, एक्सप्रेस करें ना खुद को, प्रपोजल दे। अगर आपको सामने कहने में झिझक होती है तो दूर से ही कहें। कोई एक ऐसा मीडियम चुने जो उन्हें काफी अच्छा लगे, उनसे वो इम्प्रेस भी हो जाए। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप उनकी एनिवर्सरी में ऐसे गिफ्ट कुछ ऐसा दे सकते हैं, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं, बट मैसेज में वो बात नहीं बनेगी। इमोशनल समय पे कुछ इमोशनल सा गिफ्ट दे के प्रपोज करें। बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं जो लड़कियों को काफ़ी पसंद होती हैं कि वो उन चीज़ों को देख के ही सरप्राइज फील करती हैं। देखिए हर किसी को एक राजकुमार की तलाश रहती है, तो वो प्रिंसेस वाली फीलिंग कर पाए इसलिए आपको एज अ प्रिंस ट्रीट करना होगा उसे। तो आप उनको सबसे पहले अपनी बात को तो बताइए। कई बार मन की बात को मन में ही रखते हैं और सामने वाले के मन में आपके लिए फीलिंग है, हो सकता है वो आपसे भी प्यार करते हैं और आपका इंतजार कर रही हो, ये भी तो हो सकता है। लड़की की चॉइस जाने। देखिए आपकी जो पार्टनर है ना, जो लड़की है, जिस जो आपका क्रश है, उसकी चॉइस जाना, उसकी मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, उसकी ब्रेन ब्यूटी सबको समझना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने सिर्फ गुड लुक्स को देखकर उसे चूज़ किया हो तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अगर आपको प्यार की गहराई जाननी है उसकी, तो आप पहले उसे समझिए और उसके बाद चूज़ कीजिए कि क्या ये मेरे लायक है, मेरे एक तरफा प्यार को ये समझ पाएगी या फिर नहीं। अनजाने हैं, पहली बार आपने उससे मुलाकात की है, तो जस्ट आप फ्रेंडशिप पर ही रहें। स्टार्ट करें फ्रेंडशिप से, एक ऐसा रिश्ता बिल्डअप करें जो भरोसे पे हो। और जी हाँ, इसमें एक रिस्क नहीं होता। अगर वो उसे एक्सेप्ट भी करे, रिजेक्ट भी करे, तो आप ऐसा फ्रेंड रहोगे ना। आप डायरेक्ट अगर प्रपोजल दे दोगे तो मुश्किल हो जाएगी, या फिर इतने ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करोगे तो उसे भी प्रॉब्लम होगी और आपसे वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं रखेगी। प्यार और अपनी कीमत जताना काफ़ी ज़रूरी। देखिए जो चीज़ें आपको फ्री में मिलती है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, आप धनिया और मिर्च बन के रह जाओगे। आपका प्यार उसी भाव का हो जाएगा। आपको अपने प्यार को वैल्यूबल बनाना है तो अपने समय को वैल्यूबल बनाइए। उसके पीछे आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को इतना नीडी फील मत कराइए। उसको ये एहसास दिलाइए कि देखो अगर तुम नहीं माने ना तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं उस पर चला जाऊँगा। तो ये जो होता है ना, इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है लड़कियों को ना। इनसिक्योरिटी क्रिएट करा दिए तो आपको 70% काम हो गया, वो आप पे जरूर आएगी और आपके प्यार को भी समझेगी, समय भी देगी, वैल्यू भी करेगी। गोल्स की बातें करना हर एक लड़की को पसंद है। लाइफ में कुछ अचीव करवाने के लिए, अचीव करने के लिए अगर कोई बात करे तो कितनी अच्छी होती है ना। लड़कियों के ड्रीम्स के बारे में अगर कोई एक बार भी बात कर दे, उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, उसे गुड पॉइंट के बारे में, सिर्फ उसकी ब्यूटी के बारे में नहीं, उसके करियर के बारे में, उसमें क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके बारे में अगर कोई बात करे, वो कहाँ तक जा सकती है, इन चीज़ों की बात करे ना, तो वो आपके साथ ज़्यादा दिन तक एंगेज रहेगी। ज़्यादा एंगेज रहेगी, उसके मन में आपके लिए वो रिस्पेक्ट क्रिएट होगा कि ये इंसान कितना अच्छा है जो मेरे लिए इतना सोचता है, और वो आपके प्यार को समझ पाएगी। मैच्योरिटी, सीरियसनेस दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, बट हाँ फनी भी बने रहे। ऐसा नहीं कि ऑलवेज आप एज अ मैच्योर पर्सन हमेशा स्ट्रिक्ट बने रहे। देखिए लड़कियों को फनी मोड वाले लड़के काफ़ी पसंद होते हैं, आप भी जानते हैं, शायद आपको भी अच्छा लगता होगा किसी से हंसी मजाक करना। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो रिश्तों में रंग भरती है और आपका जो रिश्ते का जो टेम्पर होता है उसे बहुत लाइट रखती है, आपका माहौल अच्छा लगता है। लड़की आपसे ज़्यादा दिन तक तभी बात करेगी जब आप कुछ हंसी मजाक वाली भी बात करो, तो उम्मीद करते हैं कि आप उनसे फनी मूड में भी बात करोगे और सही टाइम पे, सही जगह पे प्रपोजल भी करोगे। उनको अपनी हर एक एक्शन से ये डिनोट करने की कोशिश करो कि हाँ देखो मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा करता हूँ, सोचता हूँ, फील करता हूँ। तो कुछ रोमांटिक चीज़ें भी करें, मूवी चले रोमांटिक मूवी पे,
ऐसी भी चीजें आप कर सकते हैं, उसे आपके प्यार का एहसास हो जाएगा। होप सो कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।